विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे कप्तान। साउथहैम्पटन में कोहली भले ही टॉस हार गए हो, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। भारत के कप्तान के तौर पर ये कोहली का 61वां टेस्ट है। उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करने के बाद दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया था। इसके साथ ही कोहली अब सबसे लंबे वक्त तक अपनी टीम को लीड करने वाले एशियन कप्तान भी बन गए हैं। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। कोहली और धोनी के बाद इस लिस्ट में श्रीलंका के अर्जुन रटतुंगा और पाकिस्तान के मिसबा उल हक हैं। दोनों ने ही 56 मैचों में अपनी टीम को लीड किया है। ओवरऑल टेस्ट इतिहास की बात करें तो कोहली इस लिस्ट में 6 नंबर पर है। सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नाम है। स्मिथ ने 109 मैचों में साउथ अफ्रीका की कप्तानी की थी। वे 100 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले इकलौते क्रिकेटर भी हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर का नाम आता है। बॉर्डर ने 93 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाली थी। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के सर क्लाइव लॉयड का नाम आता है। उन्होंने 74 टेस्ट मैचों में विंडीज को लीड किया था। कप्तानी का रिकॉर्ड बनाने के बाद कोहली ने बैटिंग में भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे 7,500 टेस्ट रन बनाने वाले 9वें सबसे तेज क्रिकेटर भी बन गए। भारतीय क्रिकेटर्स की बात करें तो कोहली सुनील गावस्कर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 154 पारियों में 7,500 टेस्ट रन पूरे किए। इस लिस्ट के टॉप पर सचिन और सहवाग की जोड़ी है। दोनों ने 144 टेस्ट पारियों में 7,500 टेस्ट रन पूरे किए थे। दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम है। 7,500 टेस्ट रनों तक जाने के लिए द्रविड़ ने 148 पारियां ली थी। जानने लायक है कि कोहली के नाम भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन भी है। साल 2019 में उन्होंने सुनील गावस्कर के 2,426 रनों को पीछे छोड़ा था। मैच की बात करें तो टीम इंडिया अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी फिसलती दिखी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन इसी टोटल पर रोहित के आउट होने के तुरंत बाद गिल भी आउट हो गए। इसके बाद 88 के टोटल तक आते आते चेतेश्वर पुजारा भी वापस लौट गए। 5वें नंबर पर आए अजंक्य रहाणे ने विराट के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभाला। खराब रोशनी के चलते खेल रोके जाने तक दोनों ने मिलकर 46 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। कोहली 40 जबकि रहाणे 22 रन बनाकर खेल रहे थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।